दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर है चुंबकत्व। इस चैप्टर से संबंधित हर वर्ष आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ में उससे संबंधित जो भी नए प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के, चांदी के। तो अस्थायी चुंबक जो बच्चों होते हैं वो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, चुंबकीय अक्ष पर, मध्य में, सभी जगह समान होती है। तो चुंबकीय आकर्षण जो शक्ति होती है वो उसके किनारों पर सर्वाधिक होती है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दोनों किनारों पर। जैसे मान लो ये आपका चुंबक है और चुंबक में दो सिरे होते हैं, एन होता है यानी नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो जो इसके किनारे होते हैं, किनारों पर जो है सर्वाधिक चुंबकीय शक्ति होती है और मध्य में सबसे कम होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम मध्य भाग में होती है। सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। ठहरने का मतलब है कहाँ पर रुकता है? पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है रुकता है, ठहरता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये कथन सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी कथन सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी कथन सही दिया गया है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन आपका जो है ये कथन गलत दिया गया है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो अगर समान जो है ध्रुव होंगे, जैसे मान लो कोई दो चुंबक आपके पास हैं, उसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल साउथ पोल को एक पास ले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, अर्थात एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर यही बात अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन के अनुसार करें, यानी विपरीत ध्रुवों को पास में लेकर आएँ, जैसे मान लो आपको एन ध्रुव हो यानी नॉर्थ वाला हो और साउथ वाला हो, इसको पास में लाओगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक, चिपक जाएंगे। तो दोनों ये जो कथन है वो सत्य हैं। इसके अलावा कह रहा है कि एक विलग ध्रुव, ध्रुव विलग मतलब अलग ध्रुव, एक ध्रुव एन वाला अलग कर दो, एस वाला अलग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों अलग अलग अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छः है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकिल, तांबा, कोबाल्ट। तो तांबा सही जवाब हो जाएगा, तांबा जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। सात नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, अर्थात जिसमें चुंबकीय शक्ति नहीं होती, अर्थात वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो पीतल ऐसी धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती। लोहा, निकिल, कोबाल्ट जो है ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है, एक शक्तिशाली चुंबक, ऑप्शन नंबर ए है, सब पदार्थों को आकर्षित कर सकता है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। लोहा केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो जो एक शक्तिशाली चुंबक होता है वो केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नौ, डायनमो यानी विद्युत जनित जिसको कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बच्चों काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय पदार्थ है पीतल, तांबा, लोहा या रबड़? तो लोहा जो है ये चुंबकीय पदार्थ होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है,
चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान या चुंबक से दूर। तो चुंबकों के सिरों पर जो है चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, ये पहले हमने पढ़ लिया है। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, तो लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से, कागज़ से। तो लोहे की चादर से जो है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, ए ऑप्शन आपका सही है, कोई डाउट नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा जो है वो आकर्षित होगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था, तो चीन देश ने जो है समुद्री कंपास का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस सन में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ने पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में संबंध है, तो ये सन था बच्चों 1820, ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दंड चुंबक किस आकार का होता है, यू आकार का, आयताकार और बेलनाकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो दंड चुंबक होता है ये आयताकार और बेलनाकार होता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबक के आकर्षण का गुण किन ध्रुवों में होता है, चुंबक के आकर्षण का, असमान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में, चुंबक के मध्य में। तो आकर्षण का जो गुण होता है वो असमान ध्रुवों में होता है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाल चुंबक अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का होता है, तो ये बच्चों होता है यू आकार का, जो यू आकार का जो चुंबक होता है उसको नाल चुंबक कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस चुंबक को इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती है, तो ये बच्चों है प्राकृतिक चुंबक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किन पदार्थों के बने होते हैं, कोबाल्ट, लोहा, निकिल, तीनों ऑप्शन बच्चों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, स्थायी चुंबक तीनों धातुओं के बनाए जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर जो है विद्युत मोटर आधारित होता है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बच्चों टेस्ला होता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी बच्चों फैराडे ने, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डायनमो का उपयोग होता है, 2012 में बच्चों आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो प्रश्न हम देखेंगे वो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो डायनमो का उपयोग बच्चों जनरेटर में होता है, इसमें ए ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया है ये दो बार आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है, निकिल, कोबाल्ट, लोहा या सोना। तो सोना बच्चों जो है ये अचुंबकीय पदार्थ होता है, 2013 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लिख लें। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, 2015 की परीक्षा में बच्चों आया हुआ प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, निकिल, लोहा, कोबाल्ट या ये सभी। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बच्चों है वेबर, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, तो चुंबक के सिरों पर, बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा इसका। और ये बच्चों रहे आपके 30 प्रश्न, और 30 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
इसके अलावा आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल का सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो रिकमेंड नहीं करता है हमारा यूट्यूब। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और वीडियो पर लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखने जिस हिसाब से बच्चे देखते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग जो है कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सभी के लिए एक वीडियो बनाने में कम से कम जो है 2 घंटे का टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो बन पाता है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए शुरू कर